कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन की जानिब से गुरुवार शाम नगीना बाग स्थित जतोई दरबार में रोजा इफ्तार के दौरान गंगा जमनी तहजीब देखने को मिली, जब मुस्लिम भाइयों ने जतोई दरबार के गुरुद्वारा परिसर में नमाज अदा की। इस अवसर पर रोजा इफ्तार की सदारत कर रहे जिला कलेक्टर भवानी सिंह देथा और SP महेंद्र चौधरी का शानदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में दरगाह दीवान सैयद जैनुअल आबेदीन मसाड़िया भैरव धाम के उपासक चंपालाल महाराज, दरगाह नाजीम अशफाक हुसैन अंजुमन, सदर सैयद हिसामुद्दीन न्याजी, सेक्रेटरी सैयद वाहिद हुसैन अंगारा शाह अम्बे माता मंदिर के पदाधिकारी संदीप गौड़, करण सिंह और राजेश टंडन ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। रमजान के इस पाक महीने में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धार्मिक नगरी पुष्कर स्थित शाही मस्जिद में जुमे की नमाज अदा कर अच्छी बारिश की दुआ मांगी। इस मौके पर सभी लोगों ने दुआ कर पुष्कर सहित पूरे देश में अमन चैन और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे इसकी भी दुआ की। जुमे की नमाज के दौरान शाही मस्जिद में मुस्लिम संप्रदाय के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। देखिए, रमजान मुबारक का महीना है, इसमें हम लोगों ने जुमा की नमाज़ें अदा की सब लोगों के साथ मिलकर इखलाक मोहब्बत के साथ। उसके बाद फिर हम लोगों ने अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में बरसात के लिए दुआ की ताकि बरसात पानी हो तो हम सबको पीने के लिए और बहुत सारे मवेशी जानवर वगैरह उनको भी पीने के लिए पानी मिले। और हम लोग आपस में इखलाक मोहब्बत यानी लोग एक साथ रहने के लिए दुआ किए ईश्वर के बारगाह में कि हम लोगों को चैन व अमन के साथ इखलाक मोहब्बत के साथ एक जगह रहे, हम सब मिलजुल के रहे और अपने देश को आबाद करते रहे। आज हम नमाज पढ़ी है जुम्मा और वास्ते अल्लाह हम दुआ करी है बरसात के लिए और कर रहे हैं। क्यों? क्या अल्लाह सभी ही दुनिया के अंदर मखलूक का मालिक है, इस खल्क और मुल्क को बनाने वाला है और खल्क मुल्क को पैदा करने वाला है। हाथीभाटा स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में वृंदावन के कथावाचक आचार्य मयंक मनीष ने भागवत कथा के दूसरे दिन श्रीमद् भागवत कथा में श्रोता के लक्षण भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, विदुर के घर भगवान का पधारना, हरि पार्षद जय विजय को सनत कुमारों द्वारा शाप वरहा अवतार की कथा और गृहस्थ धर्म का सार गर्भित श्रवण कराया। प्रथम मास तपस्या का प्रारंभ हुआ। 3 दिन के अंतर से एक बार फलहार करते हैं, अर्थात जी का महामंत्र जप करते हैं। 3 दिन के अंतर से एक बार फलहार, हमारा फलहार 3 मिनट लेट हो जाते हैं, उन जाते हैं क्या हमने व्रत किया है। 3 दिन के अंतर से एक बार, जब दूसरा मास प्रारंभ हुआ 6 दिन के अंतर से पत्ते खाकर के सूखे अब यमुना का जल पी लेते हैं और ठाकुर जी की आराधना। मनुष्य का सर्वोच्च भाग मस्तक है, भगवान को मोर पक्ष अत्यंत प्रिय है, इसलिए सर्वोच्च सम्मान प्रदान कर वे उसे सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भगवान योगेश्वर है और मोर को भी योगेश्वर कहा जाता है। भगवान को मोर अत्यंत प्रिय है, ऐसे आदरणीय मोर पंख जिसे भगवान ने स्वयं अपने मस्तक पर सम्मान के साथ सदा सर्वदा धारण किया है। कथा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा प्रतिदिन सुबह 9 से 12 और शाम 3 से 6 बजे तक लक्ष्मी नारायण मंदिर हाथी भाटा में कही जा रही है।